मेरे प्रिय दर्शकों को जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का नमस्कार। आज मुझे आपको बात करनी है वनस्पति शास्त्री जय कृष्ण इंद्र जी के बारे में। यह वीडियो आप हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में सुन सकते हो। अगर हमें देश का भला करना है तो हमें सच्चे दिल के मानव विशेषज्ञों, शिक्षा विशेषज्ञों, कार्य विशेषज्ञों की जरूरत है। अधिकारी या संगठन के मुखिया या कुलपति जितने कमजोर होते हैं उतने ही रसातल में गिरते हैं। मुख्य अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कलेक्टर हो या पुलिस अधिकारी, जिला विकास अधिकारी हो या कुलपति या किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। उसे पता होना चाहिए कि एक आदमी का सम्मान और काम कैसे कराना है। अगर वे राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं तो उन्हें सही व्यक्ति को उसके कौशल के अनुसार ही काम देना चाहिए। उसकी पीठ थपथपानी होगी और राष्ट्र को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छा काम करना होगा। लेकिन आज ऐसे कितने मानव पारखी अधिकारी होंगे? बड़ा दिमाग वाला ही ऐसा काम कर सकता है। बस कुछ लोग इतना ही करते, उसका हित, उसका समूह, सब कुछ उसके लाभ का, समाज, राष्ट्र या कौशल के अनुसार कुछ नहीं करते। बाकी सब कुछ बड़े बड़े गड्ढे में जाए, मुझे क्या नुकसान, ऐसा ही सोचते रहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं आपको इतिहास से एक उदाहरण देना चाहता हूं। पोरबंदर महाराणा भाव सिंह जी बरड़ा की जड़ी बूटी को देश दुनिया में मशहूर करना चाहते थे, तो जब वे सही व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और वनस्पति विदों को पत्र लिख रहे थे तो पोरबंदर के अंग्रेजी प्रशासक ने एक प्रयास किया और वनस्पति विदों को बुलाया, लेकिन अंत में उनकी नजर मेहनती और उद्यमी ठाकर जय कृष्ण इंद्र जी पर पड़ी कि यह आदमी ही सही व्यक्ति है काम करने के लिए। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा, मिस्टर जय कृष्ण ठाकर, क्या आप ऐसा काम कर सकते हो? तुरंत ही जय कृष्ण इंद्र जी ने थोड़ा सिर हिलाया। इस अंग्रेज प्रशासक ने अगले दिन 1 अक्टूबर 1886 को पोरबंदर रियासत के वन उद्यान के क्यूरेटर के रूप में जय कृष्ण के नाम का आदेश तुरंत ही कर दिया। अगले दिन जय कृष्ण यह आदेश लेकर अंग्रेज अफसर लेली के पास आया और थोड़ा भ्रमित हुए कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं। गोरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कर सकते हो, जरूर। इस निर्णय के अनुसार ठाकर जय कृष्ण इंद्र जी ने अथाग परिश्रम किया और रामायण के आकार की बरड़ा की जड़ी बूटी नामक एक मूल्यवान गुजराती पुस्तक प्रकाशित किया, जिसका 719 पृष्ठ है। वनस्पति विज्ञान की इस अनूठी पुस्तक में बरड़ा की वनस्पति और पौधों के नाम 5 भाषाओं में, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत और मराठी में दिए गए हैं। जय कृष्ण इंद्र जी ने उस समय इतनी मेहनत की और सन 1910 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। यह इतना बड़ा पुस्तक कोई छापने के लिए जोखिम नहीं लेना चाहते थे। तब जय कृष्ण इंद्र जी ने अपनी पत्नी के गहने को किसी के पास बंधक रखकर पैसा लिया और किताब प्रकाशित की।
बाद में उन्होंने कच्छ संस्थान की वनस्पतियों नामक और किताब भी लिखी। यह किताब कच्छ के महाराव खेंगारजी त्रुती ने प्रकाशित की थी। आज सभी देशभक्त यह प्रार्थना करें कि ईश्वर ऐसी दृष्टि से देखने वाले को नेता, अधिकारी या कुलपति को ज्यादा आयु दे, तभी एक उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। नहीं तो देश लालच, भाई भतीजावाद और स्वार्थ की खाई में डूबता रहेगा। लेकिन आज तूती का आवाज कौन सुनेगा, वो भी मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारे, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें इतिहास में से ढूंढ कर आपके सामने रख रहे हैं। शायद कोई न कोई अच्छा आदमी को दिल पर लग जाएगा, उसको कुछ उसमें से प्रेरणा मिलेगी, तो हमारा ये परिश्रम जरूर सफल होगा। इसलिए हम आपको महीने में, हफ्ते में ऐसी 2-3-4-4 बातें करते रहे और आप बड़े गौर और भाव से सुनते रहे। इसलिए ये काम अविरत चल रहा है, उसमें मुझे आपका सक्रिय सहयोग की जरूरत है। और चैनलों की तरह हम बार बार यह नहीं कह रहे कि यह चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उसको लाइक करना, ये जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अच्छा लगे तो और लोगों के पास पहुंचाना, वो आपके हृदय का, दिल का, अंतरात्मा की आवाज बोले, ऐसा ही करना। ये मैं आपको विनती कर रहा हूँ।